Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान और फिर उसके बाद तमाम वायदे करते हुए मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके की किशोरी का अपहरण कर लिया गया। किशोरी को पहले चमड़ा पैंट और फिर कहीं और रखा गया। आरोप है कि उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया गया। किसी तरह किशोरी ने अपने परिजनों से संपर्क किया, तब परिजन उसे लेकर घर आए। आरोपी युवक को व उन्हें संरक्षण देने वालों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिजनों व हिंदू संगठन के लोगों ने ब्रह्मपुरी थाने में हंगामा किया। बड़ी संख्या में लोग दरी डालकर बैठ गए हैं। आरोपी युवक का नाम आदिल, निवासी चमड़ा पैंट, हापुड़ रोड है। परिजनों ने इस बात पर आक्रोश जताया कि काफी वक्त गुजर गया, लेकिन पुलिस ने आरोपी के बारे में कोई सुराग तक नहीं लगाया है। मौके पर मौजूद हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही ने यह जानकारी दी। सचिन सिरोही, महानगर अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच मेरठ महानगर से हूँ। और ये ब्रह्मपुरी का मामला 17 तारीख की घटना है। 17 तारीख को नाबालिग बच्ची 16 साल की, हिंदू समाज की, वो इंस्टाग्राम के माध्यम से पिछले 6 महीने से किसी विधर्मी के टच में आई और उसको षड्यंत्र के तहत एक हिस्सा बनाया गया। और योजना के तहत जैसे अनुमान चल रहा है सभी जगह इस तरीके की, कई मामले मेरठ में आप देखते हो आए दिन आते रहते हैं, तो ये आप लगा लीजिए 17 तारीख को यहाँ से 5 बजे उसे बिठा के ले जाया गया। पहले यहीं पे चमड़ा पैट की तरफ ही विधर्मी जो लड़के हैं उनका घर यहीं है, और यहीं से 3-4 दिन उस लड़की को पहले तो यहाँ उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया घर पे, और उसके बाद जो है हरिद्वार देहरादून की तरफ ले जाया गया, वहाँ भी किसी घर पे ले जाया गया, वहाँ पे भी उसके साथ बलात्कार किया, नशे में जो है उसको मिलाया गया है, कुछ खिला पिला के। अभी तक भी उसकी जो हालत है दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कल सुबह 9 बजे उसको जो है बुलाया गया है, क्या नाम है, परिवार को फ़ोन करा उसने कि मैं यहाँ हूँ चमड़ा बैठ के इस चौपले पे, यहाँ से मुझे ले जाओ। वहाँ से लाए, उसके बाद ये थाने आए, थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ। कल से अब तक 36 घंटे हो गए, पुलिस को ये भी नहीं पता कि आरोपी जो है वो कौन है, उनका मतलब एड्रेस तक वेरीफाई नहीं कर पाई 36 घंटे पुलिस। तो अरेस्टिंग की तो बात बहुत बड़ी है। यहाँ प्रजापति समाज के दारा सिंह प्रजापति जी आए हुए हैं, समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, और आप ये देखिए कि इतना ज़्यादा कि 36 घंटे समय की बलात्कार, इतना बड़ा मामला है, और उस मामले के अंदर अब तक पुलिस प्रशासन जो है कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। थाने में जब तक हमें मजबूत आश्वासन और गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक हम जाएंगे नहीं, रासुका की मांग है। ऐसे तो नाबालिग बच्ची का भविष्य खत्म हो गया हमारी। क्या उनके नाम है, कहाँ रहते हैं वो? नाम पीछे चमड़ा पैट की तरफ ही है, और लड़की जो है इस समय उसका संतुलन ऐसा है, दानिश नाम बताया, जो जो भी नाम बताया, अभी दरोगा जी से बात हो रही थी, आदिल नाम बता रही है, तो उसमें जो है उन्होंने ये लगा लीजिए, कभी दरोगा जी से हमने हमारी बात हुई चौकी इंचार्ज से, इंस्पेक्टर साहब तो कहीं ड्यूटी पे बता रहे हैं, एसपी साहब को भी अभी बुलाया जाएगा। जब तक उच्च अधिकारी आके यहाँ समाज को पूरा ढंग से जो है आश्वासन नहीं देते जब तक हम लोग थाने से नहीं जाएंगे, ये मजबूत तरीके से हमने कह दिया। और इस तरीके की घटनाएं भविष्य में भी अगर होंगी तो पूर्ण तरीके से समाज इकट्ठा होगा, मुंह तोड़ जवाब विधर्मियों को देगा। हम तो चाहते हैं उसकी अरेस्टिंग हो, जितने आरोपी इसमें जो जो दो जो घर हैं जहाँ पे सामूहिक बलात्कार हुआ है वो घर वाले भी आरोपी बने इस मामले में। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती क्या धरना प्रदर्शन होगा, कमिश्नरी पे भी होगा और जगह भी होगा जी। हमें इस मामले को बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं बनने देना, राजनीतिक मामला नहीं बनेगा। चुनाव भले ही सर पे हो लेकिन समाज, ये नहीं है कि चुनाव सर पे है तो इसका मतलब जो है समाज चुप बैठ जाएगा, घरों में बैठ जाएगा अपने। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।